हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में। इस लॉ में हमारे पेटिशनर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जब सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी भी बॉय या गर्ल के बीच में हो रहा है जिनकी एज ग्रुप जो है 18 से लेकर के 20 इयर्स है, और अगर वो कॉन्सेंट के साथ हो रहा है, सो लड़के के ऊपर ऐसी काफ़ी FIR दर्ज हो रही है। लड़के के ऊपर FIR क्यों लॉन्च करी जा रही है बॉय के अगेंस्ट, अगर कॉन्सेंट के साथ हो रहा है तो उन्होंने कहा कि जैसे ये रोमियो जूलियट लॉ बाकी सारे कंट्रीज में एप्लीकेबल है, और अगर कॉन्सेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप बॉय या गर्ल आपस में बना रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड। बेसिकली ही सेड कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, ये जो रेप वाले चार्जेस लड़के के ऊपर लग रहे हैं ये नहीं लगने चाहिए। शुड कंसेंशुअल टीनेज सेक्स बी डीक्रिमिनलाइज्ड? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का रिस्पॉन्स मांगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने रिस्पॉन्स मांगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्या कहना चाहती है इस मामले में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सॉट सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रोमियो जूलियट लॉ टू इंडिया टू डीक्रिमिनलाइज कंसेप्चुअल टीनेज सेक्स एज अ PIL क्लेम्ड मिलियंस ऑफ अंडर 18 गर्ल्स एंड ओवर 18 बॉयज एंगेज इन कंसेंशुअल सेक्स, बट अ बॉय गेट अरेस्टेड इफ स्टैट्यूटरी फॉर स्टैट्यूटरी रेप इफ द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट एंड हर पेरेंट्स लॉज अ कंप्लेंट विद पुलिस। तो ये जो एज ग्रुप है 18 से 20 तक की, या हम ऐसे कहें 16 से 20 भी हम कह सकते हैं इसे, 18 से 20 ना कह करके अगर हम इसे 16 से 20 कहें, और अगर इतना सारी चीज़ें कंसेंशुअल हैं, कॉन्सेंट से हो रहा है, सो वाई ओनली बॉय विल पे फॉर इट? अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, कॉन्सेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है। बेसिकली पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अगर कोई भी बच्चा 18 साल से कम का है और अगर उसने कॉन्सेंट दी भी है तो हम उसे इमटेरियल मानते हैं, यानी उसकी कोई उसका कोई महत्व नहीं होता। एंड एनी पर्सन हु अटेम्प्ट सेक्सुअल एक्टिविटी विद इन सच एन अंडर एज पर्सन वुड बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। और अगर कोई भी इंसान उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है अंडर एज के साथ तो उन्हें सेक्सुअल असोल्ट के लिए गिल्टी पाया जाता है। अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC सेक्स विद अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 16 इज रेप इवन शी हैड गिवन हर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट देने के बाद भी अगर लड़की की एज जो है वो 16 साल से कम है तो सेक्शन 375 IPC कहता है दैट इट इज रेप। प्रायर टू रोमियो जूलियट लॉ विच इज इन फोर्स इन मैनी फॉरन कंट्रीज, कई सारी फॉरन कंट्रीज में अभी फोर्स में है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टेटूटरी रेप चार्जेस वुड अप्लाई इन केसेस ऑफ टीन सेक्स ओनली इफ द बॉय वॉज एन अडल्ट। सिंस 2007 मैनी कंट्रीज हैव अडोप्टेड द रोमियो जूलियट लॉ विच प्रोटेक्ट्स द बॉय फ्रॉम अरेस्ट इफ हिज एज वॉज नॉट मोर दैन 4 ईयर्स फ्रॉम दैट ऑफ द गर्ल हु इज नॉट एन अडल्ट। जैसे अगर लड़की की एज 16 साल है और उसकी 19 या 20 साल है, 4 साल का मतलब अगर दोनों के में डिफरेंस है, 4 ईयर्स का अगर डिफरेंस है तो लड़की को अरेस्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, पेटिशनर एडवोकेट हर्ष विभोर सिंगल, इन्होंने जो है पेटिशन दायर की कोर्ट में, प्लीडेड विद अ बेंच हेडेड बाय CJI DY चंद्रचूड़ दैट मेनी बॉयज हु आर जस्ट ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 18 से थोड़ा सा ऊपर है, हैव बीन स्टिग्मेटाइज्ड ऑन बींग अरेस्टेड फॉर इंडल्जिंग इन कंसेंशुअल सेक्स विद गर्ल्स हु आर इन द 16 to 18 एज ग्रुप। जो 16 से 18 साल तक की लड़कियां हैं, जो ये वाला एज ग्रुप है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है इंडल्ज होने के लिए। ही प्लीडेड फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन ओवर 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड बॉयज हु आर इन एज ग्रुप ऑफ 16 to 20 ईयर्स। 16 साल की लड़कियां और लड़कों का 16 से 20 साल तक की एज का अगर कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है तो उसको इन्होंने डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी। द CJI लेड बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा इशू नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट वन सिंगल आर्ग्यूड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंडिंग द रोमियो जूलियट लॉ टू इंडिया टू डीक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन 18 to 19 ईयर ओल्ड बॉयज विद गर्ल्स ऑफ 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज। जस्टिस ने CJI ने
जो है नोटिस इशू किया यूनियन गवर्नमेंट को, जब सिंगल साहब ने कहा कि आपको इम्पोर्टेंस समझनी होगी रोमियो जूलियट लॉ की और इसको क्रिमिनलाइज करना होगा बिकॉज एज गैप इतना ज़्यादा नहीं है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कॉन्सेंट की, तो जब कॉन्सेंट है तो इट शुड नॉट बी टर्म्ड एज रेप. This grey area of law, a legislative vacuum, needs to be filled by guidelines on how statutory rape laws would operate by the assessment of consent of 16 plus to 18 year olds before indicting the consulting adults, he said. In most foreign countries, the law of statutory rape reprieves adults in consensual sex with minors if difference in their respective biological ages is 3 to 4 years, called Romeo-Juliet clause. It treats consensual sex partners as Romeo-Juliet on the lines of William Shakespeare's play Romeo and Juliet, recognizing that there isn't much difference in capacity, competence and maturity of a 16 to 17 year old and a 20 to 21 year old and are treated as adult. 16 से 17 साल का इंसान हो या 20 से 21 साल का इंसान हो, चाहे लड़का लड़की दोनों में से कोई भी, अगर इतना एज डिफरेंस है, इतना 4 साल का 5 साल का अगर एज डिफरेंस है, तो मैच्योरिटी का लेवल सेम होता है. ऐसा कहते हैं कि मैच्योरिटी का लेवल सेम होता है, ऐसा जो है सिंगल साहब ने आर्ग्यू किया कोर्ट में. द पीआईएल पिटिशनर कोटेड अ स्टडी कंडक्टेड फॉर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अकॉर्डिंग टू 10% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 49 ईयर्स had their first sexual intercourse before the age of 15 and 39% had their first sexual intercourse before the age of 18 years. PIL जो हमारे petitioner थे उन्होंने quote किया, study जो है conduct करी गई थी Union Ministry of Health की, जिसमें 10% of women का जो थी, 10% of women जो है 25 से लेकर के 49 years तक उन्होंने अपना first sexual intercourse अपने age of 15 में किया था and 39% had their first sexual intercourse before 18 years. तो ये study उनके सामने पेश की गई court के सामने. It is clear that underage sex is widely prevalent in India. उन्होंने कहा कि underage sex जो है वो काफ़ी ज़्यादा prevalent है इंडिया में और इस study के हिसाब से हम उसे प्रूव कर सकते हैं. Those who get caught get hauled for statutory rape, जिन्हें पकड़ लिया जाता है वो स्टैट्यूटरी रेप के लिए हॉल कर लिए जाते हैं. मिलियंस हैव कंसेंशुअल सेक्स बिफोर टर्निंग 18. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंसेंट के साथ सेक्स करते हैं 18 साल की उम्र आने से पहले. इट इज आयरोनिकल दैट वाइल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रोवाइडेड कंसेंशुअल सेक्स इज क्रिमिनलाइज्ड, दैट टू व्हेन प्रेगनेंसी अकर्स. हम कंसेंशुअल सेक्स को क्रिमिनलाइज भी तब कर रहे हैं जब प्रेगनेंसी अकर कर रही है. सच लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस फेल्स टू मेक लॉज कंसिस्टेंट विथ सोशल रियालिटीज. ये इस तरीके का जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है ये कंसिस्टेंट नहीं है सोशल रियालिटीज से. रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू यूज इट्स ओमनीबस पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इवॉल्व अ सेट ऑफ बाइंडिंग गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स, द पेटिशनर सेड वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सच गाइडलाइन कुड बी मैंडेट टू पुलिस टू ड्रॉप रेप चार्जेस अगेंस्ट अ टीनेज अडल्ट. सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर्स यूज करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और कहा कि इस तरीके के गाइडलाइंस लाने से पुलिस के ऊपर ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वो रेप के जो चार्जेस हैं वो टीनेज के अगेंस्ट ना लगाएं. इफ द अंडर एज गर्ल मेक अ स्टेटमेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC दैट द सेक्शुअल रिलेशनशिप वॉज कंसेंशुअल. क्यों कब रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे? जब वो सेक्शन 164 में जो गर्ल है वो ये मान ले, वो ये स्टेटमेंट दे दे कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में बने वो कंसेंशुअल था. सो आई होप यू गॉट इट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.